आप लोगों को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि आप लोगों की कोशिशों और अनथक मेहनत की वजह से हमारे इस साल की सेल जो है वो अपने टारगेट से 10% ज्यादा तक पहुंच गई है। आप लोगों की जॉब्स को कंफर्म कर दिया गया और बोनस देने का फैसला भी किया गया। आप लोग इंतहाई नालायक, सुस्त और काहिल कस्म के लोग हैं। अगर जहमत उठाकर आप लोगों ने अपनी सेल्स शीट को देखा होता या बोर्ड पे लगे हुए फिगर्स पे गौर किया होता तो आपको एहसास होता कि आप लोगों ने अपने टारगेट का 10% भी अचीव नहीं किया है। लेकिन आपकी टीम के दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेल को टारगेट तक तकरीबन पहुंचाया है। वो कौन है सर? आपने नहीं माजिद, रशीद और नायला ने स्टेलाइजिंग सॉल्यूशन की 1000 कैंस एंड बॉटल्स फरोख्त की हैं। वेयर इज रशीद नायला? पता नहीं सर, आज अभी तक पहुंचा नहीं है। बहरहाल मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है नायला कि आपको और रशीद को प्रमोट करके एरिया मैनेजर बना दिया गया है। थैंक यू वेरी मच सर। मक्खन ने काम कर दिखाया और क्या? मैं तो सेल शीट निकलवा के चेक करूंगा। मैं तो नौकरी छोड़ दूंगा। तू क्यों छोड़ेगा नौकरी? चुपचाप नौकरी करता रहे। मैं देख लूंगा इस टोइनमन को, आज आया नहीं वरना मैं तो। रशीद साहब किधर थे आप? इंसार साहब बहुत मिस कर रहे थे आपको। अल्लाह किधर जा रहे हैं? प्रमोशन की मुबारकबाद तो लेते जाइए ना। खैर से आपको एरिया मैनेजर बना दिया गया। हाँ अरे ये कहाँ चला गया? पता नहीं, शायद तबीयत खराब थी उसकी। तुम लोगों ने प्रमोशन का बताया था उसे? हाँ हाँ बताया, मिठाई लेने गया शायद। मैं मोबाइल पे कॉल करती हूँ। क्या हुआ, नौकरी छूट गई क्या? या अल्लाह किसी से लड़कर आया है क्या? मैं लड़ सकता हूं किसी से? लड़कर आया है क्या? तू मत सुना करना लोगों की बकवास, कुत्ते हैं भौंकने देने। बहुत रोया था क्या? ए, बहुत ज्यादा। अगर मैं बीच में आती ना तो अपना सर ही फाड़ लेता। मर जाएगा कम वक्त एक ना एक दिन अगर इसी तरह रोता पीटता रहा। कहा था तुझसे यतीम खाने में डाल दे, अपने बस का नहीं है। माँ बाप ने तो घर से निकाल दिया। सौतेले बाप। माँ तो सगी थी ना, उनसे तो बर्दाश्त हुई नहीं इसकी जनानी आते। यतीम खाने वाले क्या करते, कुछ एहसास है तुझे इस बात का? सारी आदत ठीक हो जाती मर्दों के साथ। 9 साल का था, सिर्फ 2.5 किलो का ढांचा, पाको ही मर जाता वहाँ पर। मर जाता, इस रोज रोज की मौत से तो बच जाता। अच्छा बताया नहीं उसने क्या हुआ था दफ्तर में? माशाल्लाह तरक्की हुई है उसकी। अच्छा, साथ वाले लड़के जल्द सड़ गए, उन्होंने मजाक उड़ाया गरीब। हाय पड़ेगी मासूमों की, रेलगाड़ी के नीचे आके मरेंगे कमीने। अच्छा सुन, अब जाके बता मत देना कि मैंने तुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा। मुझसे छुपाता है वो कुछ? तो सुन, उसकी तरक्की हुई है, उसके लिए नई कमीज ना खरीदें? नई कमीज ना खरीदें? इस वक्त कौन सी दुकान खुली होगी कमीज है ना? एक बाजू, वो तुझे अंदर जाने देंगे? तो चल तो ना, कर लेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा चल चल के देख लेते। हाय लबाजी ये। नहीं नहीं नहीं, तो बड़ा ढंगोर लग रहा। नहीं ये ठीक है, जाऊं?
हाँ जा ना जाऊं। भाई साहब एक छोटा सा काम कर माफ दो। करो यार। अल्लाह कसम पैसे नहीं मांग रही, एक कमीज खरीद के ला दो। तो देखो पैसे हैं मेरे पास। तो नया चक्कर शुरू किया गया तुम लोगों ने? नहीं अल्लाह कसम नहीं, भाई के लिए कमीज चाहिए, ये लोग हमें अंदर नहीं जाने देते। यार मुझे देर हो रही है भाई। तो तुझे तेरी औलाद का वास्ता, देख मैं तेरी गाड़ी इतनी देर में ऐसी चमकाऊंगी क्या पंप वाले भी चमकाते होंगे। ना यार दो पैसे। किस साइज की लानी है? बस तुम्हारे साइज। अल्लाह बाजू पैसे लेके भाग गया तो? अरे तेरे 300 के लिए 9 लाख की गाड़ी नहीं छोड़ जाएगा, चल सफाई कर जल्दी जल्दी। कहाँ दफा हो गया था तू? मैं तो यूं ही आया था तुमसे मिलने, तुम मीटिंग में थी तो मैं वापस आ गया। इडियट, जब तूने छुट्टी ले ही ली थी तो दफ्तर आने की जरूरत क्या थी? तुम्हारी याद आ रही थी ना इसलिए। अच्छा अब ये बता कि ट्रीट कहाँ दे रहा है प्रमोशन की खुशी में? जहाँ तुम कहो। तो फिर आ जाओ अभी, पिक कर लेती हूँ मुझे भी आके। अभी नैला, इस वक्त तो रात के 12 बज रहे हैं। मैं हूँ ना, चल बता कहाँ रहता है। नैला मैं बद में कल लंच करा दूंगा ना। अबे डरपोक इतना डरता क्यों है, मैं हूँ ना साथ, चल अभी चलते हैं। नहीं नैला वो मसला ये है कि मुझे घर से इजाजत नहीं मिलेगी बाहर निकलने की इस वक्त। ठीक है मेरा मुन्ना, ओके कल लंच पे चलेंगे। ओके ठीक है फिर कल मुलाकात होगी। ऑफिस कब तक पहुंचोगी तुम? वही 9:30। ये तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है फिर कल मिलेंगे। ओके बाय। हाय गुड डे, कौन थी ये? मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। आई मुबारक, तरक्की के साथ साथ लड़की भी मिल गई, मुझे भी मिलवाना बहू से। ऐसी कोई बात नहीं जो आप समझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है तो ऐसी बात हो जानी चाहिए। अच्छा सुन, कल ये वाली शर्ट पहन कर जाना। ये आप लोग मेरे लिए लाए हो? हाँ, अपने गुड्डे की तरक्की की खुशी में। मगर मगर क्या? मैं कल से नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्यों? कहीं और कर लूंगा मैं बस। क्यों खामोखा अच्छी वाली नौकरी को लात मार रहा है? बस मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। क्या मजाक कर रहा है क्या? अभी तो बड़ा चहक चहक कर लड़की को कह रहा था कि कल मिलेंगे। हाँ तो इस्तीफा देने तो जाना होगा ना। क्यों दे रहा है इस्तीफा, मुझे वजह बता पहले। बस मेरा दिल भर गया वहां से। पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या? यही समझ ले पागल कुत्ते ने ही काटा है। क्या मतलब? ए बहन मुझे नहीं पता, इसी से पूछ ले। गुड्डे क्या बात है? कुछ नहीं है, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अगर तूने कोई बेवकूफी की ना किसी घटिया आदमी की वजह से, तो ना उस घटिया आदमी को जिंदा छोड़ूंगी ना तुझे। गली में खड़े होकर ऐसी तालियां पीटूंगी कि उसकी इज्जत के परखचे उड़ जाएंगे। अब जब बाजी जीतने का वक्त आ रहा है तो तू हिम्मत हार रहा है? हमारी मेहनतों पे पानी फेरेगा क्या? आए मुंह से बोल, क्या दूल्हे की तरह सर झुका के खड़ा हो गया है? मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगा ना। कोई जरूरत नहीं है कहीं और नौकरी ढूंढने की, बस यहीं पर काम कर। यहां पर काम की कदर करने वाला सेठ तो मौजूद है ना, वरना 3 महीने में किसी की तरक्की होती है? ये कमीज पहन के दिखा। और पैंट कौन सी पहनेगा इसके साथ? ब्लू। हाला बाजी वो तो मैली है। चल कोई नहीं, मैं भी धो दूंगी, सुबह इस्तरी कर दूंगी। अब बात है भाई तेरी शर्ट वर्ट जबरदस्त। थैंक यू, तुम्हारे टॉप्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। यही तो खास बात है तेरी। क्या? यही छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करता है, अप्रिशिएट करता है। बहुत सी बातों को तो मुझे पता ही नहीं चलता। मसलन? बहुत सी बातें जो मेरे एज के दूसरे लड़कों को मालूम होती हैं। अरे मगर क्या? बहुत सी बातें, मसलन बेफॉर्म क्या होता है, पासपोर्ट कहाँ बनते हैं, इनकम टैक्स कहाँ जमा कराया जाता है, कैसे जमा कराया जाता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम इनके बारे में। अरे तू काम करने वाले है ना, तुझे मालूम करने की जरूरत क्या है? हाँ, लेकिन फिर भी क्या पता कब जरूरत पड़ जाए सब चीजों की। तो तू एक काम, तू एक ऐसी लड़की से शादी कर जिसे ये सब काम करने आते हो। ये तो बताओ मेरी टीम में कौन कौन है? एक तो वो है काजमी। काजमी कौन? वो एक नया लड़का है, देखा होगा ऑफिस में।
और हाँ एक गुड न्यूज है भाई तेरे लिए, तेरी टीम में वो है माजिद तेरा बेस्ट फ्रेंड कुछ रहेगा तू सर मैं रशीद के अंडर काम नहीं कर सकता क्यों सर मैं ये समझता हूँ कि मैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ किस एतबार से सर रशीद एक नॉन कॉन्फिडेंट और कमजोर आदमी है तुम शायद उसकी फितरत के मुताबिक कुछ कहना चाह रहे हो देखो माजिद इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक कॉन्फिडेंट आदमी हो और स्ट्रांग भी लेकिन बिजनेस में नंबर्स देखे जाते हैं फिगर्स देखे जाते हैं फितरतें नहीं हमारे लिए वही वर्कर ताकतवर होता है जो अपनी ताकत का इजहार पैसे से कर सके जो बिजनेस ज्यादा लाएगा वही स्ट्रांग कहलाएगा सर देखिए मैं रशीद की तरह कस्टमर्स की चापलूसी नहीं कर सकता देखो तुम जैसे चापलूसी कह रहे हो दरअसल एक टेक्निक है और हमारे पास कस्टमर्स यही चाहते हैं एंड आई थिंक कि तुम्हें रशीद से ये टेक्निक सीखनी चाहिए मुझे यकीन है कि इस तरह तुम ना सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस में इजाफा करोगे बल्कि अपने आप को ताकतवर भी बना सकते सर मैं देखो मेरे कहने पे तुम रशीद के साथ 6 महीने काम करके देखो और फिर भी अगर तुम अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करोगे तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर किसी और ब्रांच में करा दूंगा सर रशीद किन किन के बदले लेगा मेरा बेड़ा गरक करते हैं तुम उसके साथ काम करके तो देखो तुम्हें इस तरह अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी अच्छी फितरत का आदमी है नहीं नायला मुझसे नहीं होगा लीडरशिप की सलाहियत मुझ में सिरे से ही नहीं है चार लोगों के सामने जब बोलता हूँ तो हाथ मुंह कांपने लगते हैं गला खुश्क हो जाता है और मैं... बस बस बकवास बंद कर तू अपनी बिल्कुल ठीक बोलता है तू और अगर ऐसा होता ना तो तेरी सेल्स इतनी अच्छी नहीं होती जैसे तू अपने कस्टमर्स को डील करता है वैसे अपनी टीम को भी डील करना यार क्या हो गया तुझे आइए बैठिए काजिम साहब मुझे रशीद कहते हैं जी सर आपने इससे पहले कहीं सेल्स की है जी नहीं मगर मैं कर लूंगा सर गुड आप मुझे सर ना कहें प्लीज तो क्या कहूँ आप मुझे रशीद कह सकते हैं जी रशीद भाई मैं आज मैं आपको सेल्स बढ़ाने की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट तरकीब बताऊंगा अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह जानिए और समझिए कि दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है यानी झूठ बोले ये झूठ नहीं है हमारे लिए वही कस्टमर बेहतर होता है जो हमें पैसे देता है और हमारी प्रोडक्ट सबसे बेहतर है एक तो ये वाकई अच्छी है दूसरा ये कि हम इसे रोजी कमाते हैं अब मैं आपको वीक का टारगेट बताता हूँ वीकली टारगेट जी अगर आपने ये वीकली टारगेट अचीव कर लिया तो आपको कभी भी मुश्किल पेश नहीं आएगी ये लीजिए शमीम दिलबर बड़ी खुशबू आ रही है भाई क्या पकाया है बिरयानी और कोफ्ते माशाल्लाह तेरे चेहरे पे बड़ी रौनक है लगता है मसला हल हो गया हाँ पता है आज अंसार साहब ने मेरी बड़ी तारीफें की हैं और पता है क्या किया उन्होंने क्या उन्होंने मुझे अपनी पुरानी वाली गाड़ी दे दी है हाय अल्लाह गाड़ी कहाँ है सुबहानी की दुकान के पास खड़ी हुई है तू चला कर लाया है हाँ सदके मैं कुर्बान मेरा गुड्डा कितना बड़ा हो गया शमीम इसमें रोने की क्या बात है दुआएं पूरी हो गई हमारी बस अब तो शादी कर ले उस लड़की से और किसी अच्छी सी जगह पर घर ले ले किराए पे हाँ तो ढूंढो ना घर किसने मना किया है हम क्यों ढूंढे तुम खुद ढूंढो अपने लिए घर क्यों बाजी हाँ क्या मतलब इस बात से हमें देखकर कौन देगा तुझे घर किराए पे हम यही ठीक हैं कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग तुझे पालने की जिम्मेदारी ली थी कोई सारी उम्र का ठेका नहीं लिया था कल को तू रिश्ता लेकर लड़की के घर जाएगा उन्हें थोड़ी ना बताएगा हमारे बारे में क्यों नहीं बताऊंगा मैं सबको बताऊंगा कि बड़े भाइयों की तरह पाला आप लोगों ने मुझे अब इस उम्र में हमें क्या भाई बनाएगा हम तेरी बहने हैं बहने ही रहेंगे जो भी आप जो भी हो अगर आप लोग ना होते ना तो शायद मैं भी ना होता अच्छा चल बस कर ज्यादा फिल्मी डायलॉग मत बोल और हमें गाड़ी की सैर करवाना
हम ये पकड़ो इतने, मैं ना आप लोगों के लिए शलवार कमीज लेकर आया हूँ, जल्दी से बोलो फिर चलते बाहर। ऐसा नाना का मर्दाना मर्दाना है, चलो बोलो, चलो चलो तैयार हो जाओ ना, दे मुझे दो गिलास। मैं आई इधर था भाई, 10 हॉस्पिटल विजिट किए लेकिन एक बॉटल का ऑर्डर मिला। गर्मी देख रहे हो भाई यार, मैं तो शाम में विजिट किया करूँगा, दिन में काम नहीं हो सकता। काजमी आया? अभी नया है ना, जान तोड़ कोशिश कर रहा होगा। चलो भाई रिपोर्ट करके आता हूँ, जरा अलगा रखना। थैंक यू डॉक्टर साहब, बस मैं अभी भिजवाता हूँ, माली साहब आएंगे आपके पास 1 घंटे के अंदर अंदर। ओके जी, दा हाफिज, थैंक यू। सलामकुम। वालेकुम सलाम, क्या बात है भाई, बहुत थके थके से लग रहे हो। जी 10 हॉस्पिटल विजिट किए मैंने, मुझे पता है। आपको कैसे पता? उन 10 हॉस्पिटल्स में से 4 हॉस्पिटल्स का फोन आ चुका है। क्यों? उन सब ने 10 बॉटल्स का ऑर्डर कंफर्म किया है। नहीं नहीं। जी बताओ कि डॉक्टर सईद जवान से आपकी क्या बात हुई थी? वो ऐसे ही बस। ऐसी बस क्या? वो मुझसे कह रहे थे कि हॉस्पिटल में दवाइयों के पैसे नहीं है, आप स्टरलाइजिंग की बात करें तो मैंने तो आपने तो मुझे गुस्सा आ गया, मेरे मुंह से निकल गया कि भाई अगर पैसे नहीं है तो ऑपरेशन थिएटर बंद कर दो, क्यों मरीजों को इन्फेक्शन से मार रहे हो। अभी डॉक्टर सईद जवान का फोन आया था, मेरी शिकायत कर रहे होंगे। उन्होंने बड़ा ऑर्डर दिया है, 6 बॉटल्स हर हफ्ते। वाकई? लेकिन देखो माजिद, गुस्सा हर वक्त काम नहीं आता, जो काम मुस्कुराहट करते हैं ना वो गुस्सा कभी नहीं कर सकता। अब तुम डिलीवरी चालान बनाओ और इन हॉस्पिटल्स में बॉटल्स पहुंचाओ। थैंक यू। थैंक यू फॉर व्हाट? भाई आपकी अपनी मेहनत थी। जी नायला। हाँ कैसी जा रही है सेल्स? नॉट बैड, अभी एक हफ्ता ही हुआ है ना। लेकिन माजिद की सेल्स वाले से बहुत बेहतर हो गई, पता है? हाँ वैसे वो दूसरा लड़का क्या नाम है उसका, नासिर, वो भी बड़ी मेहनत कर रहा था, देखा था मैंने उसे। तेरा ये वीकली टारगेट वाला आइडिया बहुत अच्छा था, वर्क्ड। अरे हाँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, वो हमारे आज रात को डिनर है और वो क्या होती है ना, वो क्या महफिल गजल वजल टाइप कुछ है, तो तू आएगा? मैं? हाँ वो इजाजत नहीं मिलेगी तुझे। हाँ नायला देर हो जाएगी ना रात को तो। अरे यार तू अपने पेरेंट्स को भी लेकर आना, ये किटकिटी खत्म कर। क्या हुआ? नायला वो मेरे पेरेंट्स नहीं है। ओ यार आई एम सॉरी, मुझको पता नहीं था, आई एम सॉरी। हाँ तो फिर? मुझे शमीम और दिलबर ने पाला है। वो कौन है? मेरे मेरे भाई हैं वो। ओ तो उनको भी लेकर आना, आर दे मैरिड? नहीं ओह टाइम बहुत हो गया नाला, मुझे जल्दी चाय पी लो चलना है, अनसार साहब से मीटिंग थी मेरी आज। अफो एक तो तेरी जल्दी जो है ना, 10 मिनट देर से चले जाना, वो कौन सा टाइम पे आते हैं। हेलो जी, नहीं माजिद तो बाहर काम से गए हैं, आप कौन बोल रही हैं? जी आप मुझे एड्रेस बताइए, मैं आता हूँ आपके पास। जी 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 बताइए। मैंने अकबर से बात की है रशीद के मकान के सिलसिले में। कौन अकबर? अरे वही ढंगो, और उसकी स्टेट एजेंसी भी है ना। क्या बोला? आजम बस्ती के पास 2 कमरों का फ्लैट मिल जाएगा 2000 तक में। मैंने उसे कहा जितनी जल्दी हो सके इंतजाम कर दे। तुझे इतनी जल्दी क्या है? मेरा बस चले तो रातों रात उसे यहाँ से अलग कर दूं। क्यों? देखना कभी उसका कोई दफ्तर वाला या वो लड़की यहाँ आ गई ना, जहर खा के मर जाएगा रशीद। हैला वो अकेला नहीं रह सकता, तू समझती क्यों नहीं है? जानवर भी अकेले पल जाते हैं, वो तो फिर पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, अकेला रहेगा तो सब करेगा। या अल्लाह कैसी पत्थर दिल औरत है तू।
हाँ बहुत पत्थर दिल औरत हूँ मैं, और मेरा दिल कहता है कि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा, इज्जत के साथ साथ उसके वजूद के भी टुकड़े हो जाएंगे। बाजी वो यहाँ से चला गया, हमसे मिलेगा तो सही ना? नहीं, हम भी पंजाब चले जाएंगे। अच्छा मेरी शक्ल ना देख, जल्दी जल्दी तैयारी कर, फ्लैट के लिए 24,000 जमा करने हैं, पार्टी को टाइम भी दिया हुआ है, चल। रशीद साहब फिक्र की कोई बात नहीं है, बच्चे का प्लास्टर तकरीबन 6 हफ्ते में उतरेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया रशीद भाई, मैं कभी नहीं भूलूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप, अब तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। सोनू थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा, कल तक हॉस्पिटल रहेगा बस। माजिद नहीं आए अभी तक। माजिद आ जाएंगे, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ ऑफिस जाकर उन्हें ट्रेस करके यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है? शुक्रिया। ओके बज गए, वक्त का पता ही नहीं चला। काम भी तो बहुत था ना, 40 डिलीवरी चलान और 40 इनवॉइसेस बनाना कोई आसान काम तो नहीं है। सही कह रहे हैं। अच्छा बताएं कि आपके बेटे का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, वो रायला आपका पूछ रही थी, किसी दिन आप आए ना घर पे खाने के लिए। ऐसे ही आ जाऊंगा, खाने वाने की क्या जरूरत है, चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। चलो चले। क्यों चले हम थाने, नाचना गाना जुर्म है क्या? हमारा तो पेशा यही है। ये तो थाने ले जाकर बताऊंगा ना तुम्हारा पेशा क्या है, बेगैर तो मर्द हो के ऐसी हरकतें करते हो। देखा नहीं लगा, गाली नहीं दे हाँ, वरना थाने में खड़े होकर तेरी सारी हरकतें सबको बताऊंगी, ऐसे पीले राग करूंगी तेरी नस्लें भी याद करेंगी। ना थाने में क्या बताओगे? ए चलना, क्यों लोगों के सामने अपनी बेइज्जती खराब करवाएगा। ए बाजी इसको 25 रुपए। क्यों दूं 25 रुपए, आराम क्या आ रहे हैं क्या? बहुत खून पसीना बेच के कमाती हूँ, किसी आराम को और को नहीं दूंगी। जा जा अपना काम कर। जाने दीजिए हिजड़े हैं, लेकिन वो पुलिस वाले। अचल पर क्या मजमा लगाए हुआ है, चल इधर से, चल तू भी। सुनिए जी, ये क्या हो रहा था यहाँ पे? हिजड़े थे जी, ऐसे शोर मचा रहे थे। क्यों क्यों शोर मचा रहे थे? सीधी साधी आवाम को रोडों के ऊपर औरतें बन के लूटते हैं, मैंने पकड़ा तो शोर मचाने लगे। चलिए रशीद साहब चले, देर हो रही है। चलें हैं आप। अब उसे जरूरत क्या थी गाड़ी रोकने की, जबकि साथ में कोई और आदमी भी था। हेलो, तेरे सामने कोई रशीद से लड़ रहा होगा तो क्या तू मुंह देखती रहेगी? हाँ, उसकी इज्जत की खातिर एक लफ्ज नहीं बोलूंगी, चाहे उसे कोई काट के फेंक दे। चल ना काट के फेंक दे। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आपसे किसी की परेशानी देखी नहीं जाती। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, मुझे आपका रशीद साहब कहकर पुकारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम कलीग्स हैं, और आप पहले भी तो मुझे रशीद ही कहकर पुकारते थे। अब आप सीनियर हो गए ना। वो ऑफिस की बात है, इस वक्त हम लोग ऑफिस में नहीं हैं। चलो थैंक यू, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। कैसी मुश्किल? तरक्की होने के बाद आपसे दोस्ती वाली बात ही नहीं रही थी। अच्छा, मगर मैंने तो ऐसा कभी महसूस नहीं किया।
फिर ऐसा करते हैं, कहीं डिनर करते हैं। चलो चले। क्या खाओगे? जो चाहे मंगा लो। डिनर पे मैं लाया हूं, खाना तुम्हारी मर्जी का होना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर खाना भी तुम्हारी मर्जी का हो। मुझे अफसोस हो रहा है। किस बात पे? ये कि मैंने इतने दिन जाया कर दिए तुम्हारे बारे में गलत सोच के। चलो कोई बात नहीं, अब तो दिल साफ हो गया ना। And I'm sorry. किस बात पे माजिद? ये जो कुछ भी मैं तुम्हारे बारे में कहता रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, मैं तो सब कुछ भूल गया हूं। थैंक यू, मुझे तुम जैसे आदमियों की कदर करनी चाहिए, वरना ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं जो किसी का इतना साथ दें। बेकार की बातें बंद करो और अच्छा चलें खाना ऑर्डर करते हैं। अब कोई जरूरत नहीं है उस पर चीखने चिल्लाने की। कैसे नहीं है जरूरत, मैं तो उसे सीधा कर दूंगी, बल्कि उससे कहूंगी कल ही फ्लैट ले ले और दफा हो जाए यहां से। कैसे दफा हो जाए? 24,000 रुपए जमा हो गए हैं क्या? 12 तो हो गए ना, कुछ ना कुछ तो उसके पास भी होगा। क्या हो रहा था इस सड़क पे? डंगोर के पीले राग हो रहे थे, और क्या हो रहा था? तू ये बता, तुझे क्या जरूरत थी बीच में कूद पड़ने की? अच्छा तो पुलिस वाला तुम्हें थाने लेके जा रहा था और मैं कुछ भी ना बोलता? क्या कर लेता तू? क्या कर लेता? कुछ भी करता, लेकिन उनको तुम्हारे साथ बदतमीजी तो ना करने देता ना मैं। हमें तो आदत है बदतमीजी की, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू अपनी फिक्र कर, तू माशाल्लाह अब इज्जत वाला हो गया है, अल्लाह तेरी इज्जत को सलामत रखे। बस तू अपना घर अलग कर ले। हाँ पागल नहीं हूं मैं। पागल नहीं है तो हो जाएगा अगर यहां रहा और हमसे कोई ताल्लुक रखा तो। क्या उल्टा सीधा बोल रही हो शमीम? जो बोल रही हूं सोच समझ के बोल रही हूं। मैंने फ्लैट की बात कर ली है, 24,000 एडवांस है और 2,000 किराया, 12,000 मेरे पास है, बाकी तू मिला ले। बस तुम लोग भी चलोगे मेरे साथ? हम नहीं जाएंगे। तो बस ठीक है, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। क्या चाह रहा है तू? क्यों हमें जीते जी मारना चाहता है कमबख्त? बड़ी मुश्किलों से पाला है तुझे, बड़ी मुसीबतें झेली हैं, तेरी खातिर कमरा लिया, तुझे स्कूल पढ़ाया, तेरी ट्यूशनें कराई, तुझे कॉलेज भेजा, हर बुराई से दूर रखा, खून पसीना बेच कर जवान किया है तुझे, और तू जिल्लत की टोकरी सर पे उठा कर जीना चाहता है। तुम लोग मेरे लिए जिल्लत की टोकरी नहीं हो। अरे हमें पता है हम क्या हैं, और हमें यह भी पता है कि तू हमारी बहुत इज्जत करता है, इसीलिए तो तुझे अलग कर देना चाहती हैं। दिलवर तुम भी? हाँ मैं भी। देखना तुझे अच्छा नहीं लगेगा ये अपना घर बसा ले। ओ मेरी बहन, मुझे कपड़े लेने जाना है, चल रहा है साथ? नहीं आज मूड नहीं हो रहा मेरा। क्या हो गया तेरे मूड को? आज हर बात में नहीं नहीं किया जा रहा है। कुछ नहीं हुआ है। तू रात डिनर पे भी नहीं आया, मैं तुझे अम्मी से मिलवाती, उन्हें तुझसे मिलने का बहुत शौक है ऐसे। हाँ मैं घर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ठीक हो जाएगा तो फिर आऊंगा तुम्हारे पास। घर शिफ्ट कर रहा है? हाँ मैं अलग हो रहा हूँ अपनी फैमिली से। क्यों? बस है एक वजह। इसलिए मूड खराब है? हाँ बहुत खराब है मूड मेरा। अच्छा चाय पिएगा? एक मिनट, दो प्याली चाय जल्दी। अच्छा मुझे एक बात बता, तू मुझे अपना दोस्त समझता है ना? फिर तू इतनी बातें मुझसे छुपाता क्यों है? क्या
کیا چھپایا میں نے تم سے؟ تو نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا کہ تیرے پیرنٹس کون ہیں, کہاں رہتے ہیں, تو کہاں رہتا ہے. کبھی تو اپنے گھر نہیں لے کے گیا, کبھی میرے گھر بھی نہیں آیا. کیا کہوں, جو بھی کہو سچ کہنا. سچ سچ تم سن نہیں سکو گی اور نہ ہی تم سے برداشت ہوگا. دیکھیا, دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے سچ کو قبول کرتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتا, اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو باقی سب کی نظر میں غلط ہو تو کیا تم مجھ سے دوستی ختم کر دے گا؟ نہیں, میرے لیے تو تمہاری دوستی سب سے زیادہ ہے. تو پھر تو اتنی باتیں مجھ سے چھپاتا کیوں ہے؟ نل میں تمہیں بتا دوں گا, سب کچھ بتا دوں گا, لیکن فی الحال مجھ میں ہمت نہیں ہے. تمہارا مجھ سے بدلنا, مجھ سے نفرت کرنا, شاید میں سب کچھ برداشت نہ کر سکوں. پاگل ہے کیا؟ میں نفرت کروں گی تجھ سے؟ تو بہت اچھا آدمی ہے یار. تھینک یو, لیکن میرا خیال ہے کہ تم بہت اچھی ہو. ہاں یہ بھی صحیح ہے, ایسا کرتے ہیں دونوں یہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں, کیا خیال ہے تیرا؟ پتا ہے جس نے مجھ سے بہت کھل کے بات کی ہے؟ سچ کیا بات کی ہے؟ یہی کہ میں اسے بہت اچھا لگتا ہوں. پھر تو نے کیا کہا؟ میں نے بھی کہہ دیا کہ تم بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو. شادی کی کوئی بات نہیں کی؟ نہیں, مجھے کئی بار گھر بلانے کی کوشش کی مگر میں ہی ہمیشہ ٹال دیتا ہوں. اے بے وقوف, اب بلائے تو چلے جانا, وہ تجھے اپنے ماں باپ سے ملوانا چاہتی ہوگی. اسے جانا نہیں چاہتا میں. کیوں, تجھ میں کوئی کمی ہے کیا؟ دیکھنا جب اس کے ماں باپ تجھے دیکھیں گے نا, ان کی تو آنکھیں چندے آ جائیں گی. اور اگر وہ میری ماں باپ کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا میں ان کو؟ اسی لیے تو تیرے لیے فلیٹ کا انتظام کیا ہے. وہاں بلا کے بتا دینا سب کچھ. کیا سب کچھ؟ یہی کہ تجھے سوتےلے باپ نے نکال دیا تھا گھر سے جب تو 9 سال کا تھا. اور ماں کے بارے میں اگر پوچھیں پھر تو کیا جواب دوں گا ان کو میں؟ سوتےلے باپ کے آگے ماں کی کہاں چلتی ہے. اور اگر پھر بھی مجھ سے پوچھا انہوں نے تو اتنی مصیبتوں میں کون پڑتا ہے آج کل؟ سب یہی چاہتے ہیں کہ بیٹیوں کو ایسا داماد ملے جس کے سر پہ کوئی ذمہ داری نہ ہو. دیکھ لینا, نائلہ کے والدین تجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیں گے. تیرے جیسا لڑکا انہیں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا. ہاں اور سن, ہم نے فلیٹ کا ایڈوانس بھی دے دیا ہے, تو جب چاہے وہاں جا سکتا ہے. پورا ایڈوانس دے دیا آپ لوگوں نے؟ ہاں. تو 24,000 روپے کہاں سے آئے؟ مجھ سے کیوں نہیں مانگے پیسے؟ 12 میرے پاس تھے اور 12 اس نے چھپا کے رکھے تھے. اب جو تیرے پاس پیسے ہیں نا, اس سے گھر کا سامان خرید لے. میں کہاں خریدوں گا, آپ لوگ خریدو نا میرے لیے. سن رشید, فلیٹ میں جانے کے بعد تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اگر ایسی باتیں کرو گے نا تو میں کہیں نہیں جاؤں گا, دیکھ لینا. تیری موٹی عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی رشید؟ دیکھ, اگر تو نے کوئی گڑبڑ کی نا, میرا مرا منہ دیکھے گا. تو میں اکیلا کیسے رہوں گا وہاں پہ؟ گٹو چند دن کی تو بات ہے نا, پھر تو نائلہ آ جائے گی نا, پھر تو اکیلا کہاں رہے گا؟ بھائی رشید, آپ نے تو ہمیں حیران کر دیا. کیسے سر؟ بھائی آپ کا ویکلی ٹارگٹ والا تجربہ تو بہت کامیاب رہا. میں ماجد کے سیلز فیگر دیکھ کے حیران رہ گیا. سر ماجد بہت اچھا ورکر ہے. لیکن رشید, وہ پہلے ایسا نہیں تھا, یہ سب آپ کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے. تھینک یو سر. تو کیا خیال ہے سر, اسے ہم بونس نہ دیتے؟ ہاں بھائی, وہ ڈیزرو تو کرتا ہے. تو پھر آپ اسے بتا دیں سر. جی نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ اسے بتائیں. اوکے سر. پہلے پوری بات تو سن لو یار, یہ اتنا ہی کافی ہے. بہت بری بات ہے کسی کا اس طرح مذاق اڑانا. ابے چل یار, میں نے دم کرتے ہیں کہ بہت سے ہے یار, تو آگے بتا. پھر کیا ہوا؟ مجھے کہنے لگے آپ مجھے رشید صاحب نہ کہا کریں. نہیں یار, ہم لوگ گاڑی جا رہی ہے, دونوں بیٹھے, اچانک انہوں نے بریک لگا دی. کیوں بھائی؟ انہوں نے باہر ہجڑے دیکھ لیے تھے اپنے رشتے دار. بکواس کر رہا ہے. پولیس والوں نے پکڑا ہوا تھا, اب یہ فوراً پہنچ گیا پولیس والوں کے پاس. اچھا, کیا ہوا بھیا, یہ کیا ہوا, ان کو کیا ہوا؟
पता क्या डांट रहे थे, क्या कह रहे थे। मैं अब इधर उधर देखो, बोला यार अगर लोगों ने मेरे को देख लिया, मैंने हाथ पैर जोड़ के उनको बुलाया गाड़ी में से। फिर क्या हुआ? फिर मुझे डिनर पे ले गए। ओ से आ गया, चल चल के देख लेते हैं ना। आजा चल आजा। अरे रशीद जल्दी आ गया क्या? या अल्लाह खैर। रशीद रशीद जिंदा पीर के मजार ले चलो। अरे पागल हो गया क्या? पागल था, अब नहीं हूं मैं। होश में आ रशीद, होश में। होश में ही हूं मैं, यही मेरी असलियत है। नहीं, ये तेरी असलियत नहीं है, तू मेरा गुड्डा है रशीद। नहीं, मेरी असलियत छुप नहीं सकती। मैं दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकता, ना खुद को धोखा दे सकता हूं ना दुनिया वालों को। मुझसे तो आप लोग अच्छे कम से कम खुल्लम खुला ऐलान तो करते हो, कुछ छुपाते तो नहीं हो, कुछ चोरी तो नहीं करते। बस मैं भी ऐलान कर दूंगा, पैरों में घुंघरू बांधूंगा और आप लोगों के साथ तालियां पीटूंगा। एक लफ्ज भी जुबान से निकाला ना तो गला घोट दूंगी तेरे। यही तू उसी दिन गला क्यों नहीं घोट दिया? आप लोगों ने मेरा डिसीजन पहले दिन मिला था आप लोगों को, क्यों पाला मुझे? क्यों मेरी जिंदगी को दो हिस्सों में बांटा है आप लोगों ने? धोखा दिया है आप लोगों ने मुझे, धोखा दिया है। हमने कोई धोखा नहीं किया, ये धोखा है ये। उस फैमिली में रखा है तुम लोगों ने मुझे, मुझे मुझे क्यों ख्वाब दिखाए तुम लोगों ने मुझे, क्यों ख्वाब दिखाए? ये कोई खुश फहमी है ना कोई धोखा मेरे बच्चे? तू शादी करेगा और तेरे बच्चे होंगे और मैं तेरे जैसे नहीं होंगे। देख अगर ऐसा होता तो नायला तुझसे क्यों मोहब्बत करती, क्यों तुझसे शादी करना चाहती, क्यों तेरे से तेरे से प्यार करता और क्यों तेरी तरक्कियां करता? मुरादें पूरी होने का वक्त आया है तो तू हमें बेमुराद क्यों कर रहा है? हम तुझे तेरे घर में आबाद देखना चाहती है। हमारी जिंदगियों को बेमतलब क्यों कर रहा है? उतार दे ये कपड़े मेरे बच्चे, उतार दे ये सब कुछ, उतार दे। चल नायला से बात कर, वो तेरी बात समझती है। देखना उसके बात करने के बाद तुझे किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। जा 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 मेरे बच्चे। रशीद तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो हमने तुझे दी है, हमें हमारी मोहब्बत का सिला दे दे। इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में वापस चला जा, तो बस दो कदम का फासला है। इस वक्त हिम्मत मत हारना रशीद। कुछ तो बोलो नायला। क्या बोलूं? उसे शादी करोगी ये सब कुछ जानने के बाद? रशीद बोलो, नायला बोलो। मैं
रशीद मैं कह दो जो सच है ना, दोस्त वही होता है जो दोस्त के सच को कबूल करता है। यही कहा था ना तुम? हाँ हाँ कहा तो था, मगर मगर क्या? मगर रशीद मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझा है यार। हाँ तो हम शादी के बाद भी तो दोस्त रह सकते हैं ना नाना। रशीद मैंने तुझे हमेशा कह दो नायला, रुको मत। रशीद मैंने तुझे हमेशा अपनी सहेली समझा है। अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारे सच को कबूल करता हूं। बाकी मैं तुम्हारी सहेली